हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 71 एंड सेक्शन 72 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है ऑफ सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72 तक, जो कौसी कॉन्ट्रैक्ट की 5 कैटेगरीज हैं उसकी। ठीक है, सेक्शन 71 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब है कि जिसको गुड्स मिला है, मान लो कि वो गुड किसी और को बिलोंग करता है और वो आपको मिला। If a person finds goods belonging to someone else and takes them in his custody, then he has the same responsibility as the bailee. देखो, मान लो जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, और आपको वहीं पर कुछ भी ऐसा मान लो डायमंड पड़ा मिल जाता है, मान लो सिर्फ, ठीक है, और अगर आपको वो मिला और आपने उसको अपनी कस्टडी में रख लिया, तो आप कौन हो जाओगे? बेली हो जाओगे, उस पर्टिकुलर गुड के बेली हो जाओगे, आप डायमंड के बेली हो जाओगे। कैसे? बेली कौन होता? सबसे पहले बेली है रिस्पॉन्सिबल, बेली वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो गुड्स उसको मिले हैं उसका टेक केयर करे, उसका ख्याल रखे, ठीक है, मतलब उसको अच्छे से रखे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न द गुड्स टू द ओनर, और फिर वो ओनर को उसको वापस लौटा दे। तो अब यहाँ पर कौसी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ? यहाँ पर कौसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके बीच में और डायमंड का जो ट्रू ओनर है उसके बीच में हो गया कौसी कॉन्ट्रैक्ट, और आप हो गए डायमंड के बेली, ठीक है, कि जब तक मतलब ओनर नहीं मिल जाता तब तक आप उन गुड्स का टेक केयर करोगे, और साथ ही साथ जब ओनर मिल जाएगा तो आप उनको उसको वो डायमंड वापस कर दोगे। तो ठीक है, फाइंडर ऑफ गुड्स में ये बताया है। सेक्शन 72 और लास्ट कैटेगरी है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, है कि मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन। कॉशन क्या होता है? फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली अगर पे किया गया है तो। सो इफ एनी पर्सन रिसीव्ड एनी मनी और गुड्स बाय मिस्टेक और बाय कॉशन देन ही इज लाइबल टू रीपे और रिटर्न। देखो, अब इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि आपने कोई ड्रेस ऑर्डर करी या कुछ ऐसे ऑर्डर किया, कोई गुड्स कुछ ऑर्डर किए किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से, मान लो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एनीथिंग, ठीक है, आपने ऑर्डर किया और जो डिलीवरी बॉय है उसने आपके घर की जगह आपके नेबर के घर पे वो गुड्स डिलीवर कर दिया। अब आपके नेबर ने वो रख लिया, अब आपके नेबर मतलब जो आपका नेबर है और आपके बीच में हो गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर गुड, ठीक है, मे इट बी ड्रेस, एनीथिंग, ज्वेलरी, एनीथिंग, ठीक है। तो आपके और आपके नेबर के बीच में हो गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब बाय मिस्टेक वो डिलीवर हुआ है उसके घर पे, तो अब आपके नेबर की लायबिलिटी बन जाती है कि वो आपको आपके गुड्स वापस करे, जो भी सामान, जो भी पार्सल आप उनके पास रॉन्गली डिलीवर हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।